Hello guys, my name is Mohit. I am a final year MBBS student and today in this video we will talk about टंग एनाटॉमी, जिसमें मैंने टोटल 5 वीडियो बनी है इस टॉपिक के ऊपर। फर्स्ट वीडियो में मैंने पार्ट्स ऑफ द टंग के बारे में बात किया है, सेकंड टॉपिक में मैंने पैपिला के बारे में बात किया, थर्ड टॉपिक में मैंने मसल्स ऑफ द टंग, फोर्थ में मैंने उसकी आर्टेरियल सप्लाई, वेनस ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज, नर्व सप्लाई सब के बारे में बात किया और जो फिफ्थ वीडियो है उसमें मैंने क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में बात किया। तो ये 5 वीडियोस में कवर हो जाएगा पूरा टंग की एनाटॉमी। तो इस वीडियो को एंड तक देखना एंड बाकी जो 4 वीडियोस आएंगी उसको भी देखना। टोटल 5 वीडियोस आपको देखनी है टंग एनाटॉमी के लिए। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। तो टंग का इंट्रोडक्शन बहुत ही सिंपल सा है, कोई ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं है। सबसे पहला पॉइंट है कि टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है। अब मस्कुलर ऑर्गन क्यों है? क्योंकि ये बनी हुई है मसल्स से। कौन सी मसल्स है? यहाँ पे स्केलेटल मसल्स हैं। और क्योंकि स्केलेटल मसल्स हैं और स्केलेटल मसल्स वॉलेंट्री होती हैं, तो टंग जो है हमारी वो एक वॉलेंट्री ऑर्गन है। हम अपनी इच्छा से टंग को हिला सकते हैं, जीभ कभी बाहर निकालने अंदर करने, जो भी है वो हम अपने वॉलेंट्रली हम अपने मर्जी से कर सकते हैं क्योंकि वो स्केलेटल मसल से बनी हुई है। उसके अलावा टंग सिचुएटेड होती है कहाँ पे? फ्लोर ऑफ द माउथ में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें इसके फंक्शंस की, तो फंक्शन इसके बहुत सिंपल है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। टेस्ट में मदद करती है, बोलने में मदद करती है, चूइंग में मदद करती है, डिग्लूटिशन मतलब खाने को निगलने में मदद करती है और माउथ को साफ रखने में भी मदद करती है। तो ये 5 मेन फंक्शंस है टंग के। तो इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतना ही था। अब हम चलते हैं मेन पार्ट ऑफ द टंग के ऊपर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे उसके 3 पार्ट्स। कौन कौन से 3 पार्ट्स? एक है हमारे पास रूट, एक है हमारे पास टिप और एक है हमारे पास बॉडी। जो हमारी टंग है, ये मैंने यहाँ पे टंग बनाई हुई है, ठीक है। तो हमारी जो टंग है उसके आगे वाला जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं टिप ऑफ द टंग, जो बीच में मेन पार्ट है उसको हम बोलते हैं बॉडी ऑफ द टंग, और जो पीछे वाला पार्ट है जिसकी मदद से हमारी जो टंग है वो जुड़ी हुई है हमारी बॉडी से, अलग अलग पार्ट से जो जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से हमारी टंग बाहर की तरफ नहीं गिरती, एक जगह पर रहती है, उसका जो रीजन है वो है रूट ऑफ द टंग, ठीक है। तो वो पीछे की तरफ होगा। तो जो हमारी रूट ऑफ द टंग है वो हमारी टंग को जोड़ती है किस किस चीज़ से? ऊपर की तरफ वो जोड़ती है स्टाइलॉइड प्रोसेस से और सॉफ्ट पैलेट से। तो हमारी जो टंग है वो उसके अलग अलग अटैचमेंट्स हैं। रूट ऑफ द टंग जो है वो टंग को स्टाइलॉइड प्रोसेस और सॉफ्ट पैलेट से जोड़ती है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ बात करें तो वो मैंडिबल और हायोइड बोन से जुड़ी होती है। नीचे में मैंडिबल और हायोइड बोन से जुड़ी होती है हमारी टंग। तो ये कौन जोड़ता है उसको? रूट ऑफ द टंग। रूट का काम हो गया जोड़ना, जिसकी वजह से हमारी टंग एकदम से बाहर अलग से नहीं गिर जाती, मतलब एक तरह से उसको पकड़ के रखा हुआ है हमारे फ्लोर ऑफ द माउथ के अंदर। कौन पकड़ के रखता है? रूट ऑफ द टंग। टिप की बात करें तो टिप हमारा एंटीरियर फ्री एंड ऑफ द टंग बनाता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट की बात करें, जो टिप है वो बिहाइंड द अपर इंसीजर टीथ पे, अपर इंसीजर जो टीथ है हमारा उसके पीछे की तरफ रहता है हमेशा रेस्ट के टाइम पे। जब हम मान लो कुछ बोल नहीं रहे, चुपचाप बैठे हुए, ना कुछ खा रहे हैं ना कुछ बोल रहे हैं, तब हमारी जो टंग है वो दांतों के पीछे की तरफ रहती है, ये आपको पता है। तो रेस्ट के टाइम पे जो हमारी टंग है वो अपर इंसीजर टीथ के पीछे की तरफ रहती है, और कौन सा पार्ट होता है जो जस्ट पीछे होता है उसको हम बोलते हैं टिप ऑफ द टंग। रूट ऑफ द टंग जोड़ने में मदद करता है, टिप ऑफ द टंग नॉर्मल है, एंटीरियर फ्री एंड ऑफ द टंग है। मेन जो पार्ट है वो है बॉडी ऑफ द टंग, और जो बॉडी ऑफ द टंग है उसको फर्दर 2 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। एक है डोर्सम ऑफ द टंग और एक है इन्फीरियर सरफेस ऑफ द टंग। डोर्सम बोलो या अपर सरफेस बोलो, जब आप अपनी जीभ को बाहर निकाल के जब आप देखोगे, तो मान लो ये मेरी जीभ है, ऐसे मेरी जीभ है, मैंने इसको बाहर निकाला, तो जो ऊपर वाला पार्ट है जो सामने से दिखाई देता है उसको हम बोलते हैं डोर्सम या अपर सरफेस ऑफ द टंग, और जो नीचे वाला जो पार्ट है टंग का, जब आप टंग को अपनी नाक से टच करने की कोशिश करते हो तब जो पार्ट सामने से दिखता है उसको हम बोलते हैं इन्फीरियर सरफेस ऑफ द टंग। तो डोर्सम ऑफ द टंग की बात करें तो डोर्सम ऑफ द टंग इज कॉन्वेक्स इन ऑल द डायरेक्शंस, ये आप खुद अपना फील करना, अपनी जीभ को बाहर निकालना। तो जो अपर सरफेस है टंग का वो हर तरफ से कॉन्वेक्स आपको देखने को मिलेगा। डोर्सम जो है वो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक है ओरल पार्ट, एक है फेरिंजियल पार्ट, एक है पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट। आप इसको इस तरह से याद नहीं करोगे। आप कैसे याद करोगे? आप याद करोगे डोर्सम ऑफ द टंग जो है वो एंटीरियर 2/3, पोस्टीरियर 1/3 एंड पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट, इन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा टंग की डेवलपमेंट के बारे में बता देता हूँ कि टंग हमारी कैसे डेवलप करती है। तो टंग डेवलपमेंट की हम यहाँ पे बात करेंगे। टंग की डेवलपमेंट की बात करें तो हमें पता है कि हमारे पास कितनी फेरिंजियल आर्चेज होती हैं। हमारे पास टोटल 5 फेरिंजियल आर्चेज होती है दोनों तरफ नेक के अंदर, ठीक है। 5 एक तरफ, 5 दूसरी तरफ, ठीक है। नंबर क्या होता है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 6। 5 नंबर वाली जो फेरिंजियल आर्च होती थी ना, वो बाद में रिग्रेस मतलब हट जाती है वो एक तरह से। तो हमारे पास 5 यहाँ पे फेरिंजियल आर्चेज होती है, 1, 2, 3, 4 और 6। तो जो फर्स्ट फेरिंजियल आर्च है ना, इससे हमारी टंग डेवलप करती है, थर्ड से करती है और फोर्थ से करती है। तो मेनली फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये 3 फेरिंजियल आर्चेज इन्वॉल्व होती है टंग की डेवलपमेंट में। तो इसके लिए मैं आपको पहले यहाँ पे एक डायग्राम यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये वाला। तो इस वाले डायग्राम में अगर आप देखोगे तो हमारे पास ये वाली फर्स्ट आर्च है, ये वाली सेकंड आर्च है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये वाली सिक्स्थ है। जो फर्स्ट आर्च है दोनों तरफ की, वहां से बनती है दो लिंगुअल स्वेलिंग्स, क्या बोलते हैं इनको, लिंगुअल स्वेलिंग्स, और एक बीच में एक और स्वेलिंग बनती है जिसको हम बोलते हैं ट्यूबरकुलम इम्पार। ठीक है, तो दो लिंगुअल स्वेलिंग्स और एक ट्यूबरकुलम इम्पार। उसके अलावा जो थर्ड आर्च है वहां से बनता है हाइपोब्रेकियल एमिनेंस। थर्ड आर्च से क्या बन गया, हाइपोब्रेकियल एमिनेंस। तो हमें ये पता चल गया कि हमारे पास दो लिंगुअल स्वेलिंग्स है, एक ट्यूबरकुलम इम्पार है और हाइपोब्रेकियल एमिनेंस है। अब हम बात करते हैं कि कैसे, कौन से पार्ट से कौन सा हिस्सा टंग का डेवलप करेगा। तो जो दो हमारे पास लिंगुअल स्वेलिंग्स थी उससे डेवलप करता, सॉरी जो दो लिंगुअल स्वेलिंग्स हैं वो डेवलप करती है फर्स्ट फेरिंजियल आर्च से, और वो दो लिंगुअल स्वेलिंग्स हमारी बनाती हैं एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। उसके अलावा जो ट्यूबरकुलम इम्पार था वो भी फर्स्ट फेरिंजियल आर्च से डेवलप करता है और वो भी बनाता है एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। तो एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग किससे बना हुआ है, दो लिंगुअल स्वेलिंग से और ट्यूबरकुलम इम्पार से। ये दोनों किससे बने हुए हैं, ये बने हुए फेरिंजियल, फर्स्ट फेरिंजियल आर्च से। सेकंड फेरिंजियल आर्च जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता है टंग की डेवलपमेंट में। उसके बाद बात करें थर्ड फेरिंजियल आर्च की, तो वो बनाता है पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग, और जो फोर्थ फेरिंजियल आर्च है वो बनाती है पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द टंग। तो इस तरह से हमारी टंग की डेवलपमेंट होती है, और टंग की डेवलपमेंट हमारे बहुत काम आएगी जब हम इसकी नर्व सप्लाई वगैरह की बात करेंगे ना, तब बहुत काम आने वाली है। तो मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा ओवरव्यू दे दिया कि टंग कैसे डेवलप हुई है। उसके अलावा मेन टंग की डेवलपमेंट की वीडियो मैं अलग से भी अपलोड करूँगा। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रेप लैडर ने रिसेंट में ही अपना रैपिड रिवीजन सेक्शन जो है उसको अपडेट किया, और उन्होंने लॉन्च किया है रैपिड रिवीजन 4.0, जिसके नोट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है क्विक रिवीजन के लिए नीट पीजी की प्रिपरेशन में, तो आप उसको चेक कर सकते हो। उसके अलावा रैपिड रिवीजन 4.0 का मैं रिव्यू भी दूंगा अपकमिंग वीडियोस के अंदर। अब हम चलते हैं हमारे टंग के बचे हुए टॉपिक के ऊपर। मैंने आपको बताया कि टंग के जो पार्ट्स हैं वो तीन पार्ट्स हैं, एक उसका रूट, एक उसका टिप और एक उसका बॉडी। रूट और टिप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रूट मैंने बताया उसको जोड़ने में मदद करता है। ऊपर की तरफ किससे जुड़ता है, स्टाइलोइड प्रोसेस और सॉफ्ट पैलेट से। हमें पता है ये चीजें, सॉफ्ट पैलेट ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ टंग किससे जुड़ी हुई है, सॉफ्ट पैलेट से जुड़ी हुई है। स्टाइलोइड प्रोसेस पीछे है वहां पे, उससे जुड़ी हुई है। नीचे की तरफ मैंडिबल और हाइड बोन से जुड़ी हुई है। तो टंग एक तरह से एक जगह पे रुकी रहती है रूट की मदद से। टिप की मैंने आपको बात की, टिप एक कुछ नहीं है, टिप एक एंटीरियर फ्री एंड है टंग का। कुछ ज्यादा इसके बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना तीन पार्ट्स होते हैं, नंबर 1 रूट, नंबर 2 टिप, नंबर 3 बॉडी। बॉडी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बॉडी में मैंने आपको बताया बॉडी का एक पार्ट है जो ऊपर की तरफ होता है, उसको बोलते हैं अपर सरफेस। एक टंग का नीचे वाला सरफेस होता है जिसको बोलते हैं इन्फीरियर सरफेस। तो मेन तो हमें जो सामने से दिखता है वो अपर सरफेस दिखता है, कोई भी हमसे बात करता है या मुंह खोलता है जब। तो बॉडी की हमने बात की, डोर्सम या अपर सरफेस और इन्फीरियर सरफेस। डोर्सम की बात की, कन्वेक्स है हर डायरेक्शन में। उसके अलावा मैंने बोला डोर्सम जो है तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक उसका एंटीरियर 2/3, एक पोस्टीरियर 1/3 और एक पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट। एंटीरियर 2/3 को ओरल पार्ट बोलते हैं, पोस्टीरियर 1/3 को फेरिंजियल पार्ट बोलते हैं, और पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट को पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ही बोलते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि डिवीजन में इसको मदद किसने की। तो ये हमारी टंग थी, हमारी जो टंग है जो उसका, ये उसका कौन सा सर्फेस है, ये उसका डोर्सम वाला सर्फेस है, मतलब अपर सर्फेस है। डोर्सम में बोलूँ मतलब यहाँ पे अपर सर्फेस ऑफ टंग को डोर्सम बोलते हैं। ठीक है, तो अपर सरफेस में आपको देखने को मिलेगा एक बीच में ऐसे सुराग सा देखने को मिलता है, इसको हम बोलते हैं फोरामेन सीकम। और यहाँ से ऐसे दो वी शेप, एक वी शेप बनती है, ऐसे दो लिम्ब्स जाते हैं, एक ये वाला एक ये वाला, इस तरह से एक वी बन जाता है, उल्टा वी बन जाता है एक तरह से आपका हो तो जो ये वी बन रहा है ये बनता है सल्कस टर्मिनालिस की वजह से। तो जो ये सल्कस टर्मिनालिस है इसी वजह से हमारे जो एक एंटीरियर 2/3 वाला पार्ट बनता है और एक पोस्टीरियर 1/3 वाला पार्ट बनता है। तो जो अपर पार्ट है टंग का, जो अपर सरफेस है उसका, वो दो मेन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एंटीरियर 2/3 एंड पोस्टीरियर 1/3, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ सल्कस टर्मिनालिस। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। मैंने यहाँ पे लिखा है एक ओरल पार्ट और एक फेरेंजियल पार्ट। टंग इज डिवाइडेड बाय अ वी शेप्ड ग्रूव नोन एज द सल्कस टर्मिनालिस। क्या बोलते हैं उसको, सल्कस टर्मिनालिस बोलते हैं। ये सल्कस टर्मिनालिस जो है ये डोर्सम या अपर सरफेस ऑफ टंग को ओरल और फेरिंजियल पार्ट में डिवाइड करता है, या फिर बोल सकते हो एंटीरियर 2/3 एंड पोस्टीरियर 1/3 में डिवाइड करता है। इसका एक और डायग्राम भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके अलावा बात करें, जो सल्कस टर्मिनालिस है उसमें दो लिम्ब्स होती हैं जो आगे जाके मीट करती हैं एक बीच वाले पॉइंट पे, जिसको हम बोलते हैं फोरामेन सीकम। क्या बोलते हैं उसको, फोरामेन सीकम। ये दो वी ऐसे से जा रही है और पीछे जाके मिल गई बीच में, इसको क्या बोलते हैं अपन, फोरामेन सीकम। जहां मिले उसको बोलते हैं फोरामेन सीकम। ये फोरामेन सीकम एक रिप्रेजेंट करता है, ये फोरामेन था, क्यों है ये फोरामेन, मतलब फोरामेन क्यों है ये, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है साइट फ्रॉम विच द थायरॉयड एवर्टिकुलम ग्रोज डाउन इन द एम्ब्रियो। जो हमारा थायरॉयड ग्लैंड जब डेवलप करता है ना, थायरॉयड ग्लैंड के आप डेवलपमेंट देखना, उसमें आपको पता चलेगा एक थायरोग्लोसल डक्ट होती है, इसी फोरामेन से वो थायरोग्लोसल डक्ट नीचे की तरफ जाती है और नीचे जाके थायरॉयड ग्लैंड बना देती है, और थायरोग्लोसल डक्ट जो होती है वो बाद में बंद हो जाती है, पर में वो बस छोड़ के चली जाती है एक पिट या फिर एक फोरामेन बोल सकते हो, जिसको हम बोलते हैं फोरामेन सीकम, जो रिप्रेजेंट करता है साइट फ्रॉम विच द थायरॉयड एवर्टिकुलम ग्रोज डाउन इन द एम्ब्रियो एंड हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। अब मैं आपको इसका एक और यहाँ पे डायग्राम दिखाता हूँ। तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ना, ये है डोर्सम ऑफ द टंग का डायग्राम, डोर्सम या फिर आप बोल सकते हो अपर पार्ट ऑफ द टंग का डायग्राम है ये। ठीक है, इसमें आपको ये टंग दिखाई दे रही है इस तरह से। टंग जो है उसमें आप देखोगे यहाँ पे आपको एक डिप्रेशन दिखाई दे रहा है, ये इस तरह से मैं ड्रॉ करूँ तो ये वाला दिखाई दे रहा है आपको, ये ये क्या है, ये है हमारे पास सल्कस टर्मिनालिस। देखो ये हमारे पास सल्कस टर्मिनालिस। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें, आपको बीच में एक फोरामेन दिखाई दे रहा होगा, ये फोरामेन क्या है, ये फोरामेन हमारे पास फोरामेन सीकम। तो यही है सल्कस टर्मिनालिस जो हमारी अपर सरफेस ऑफ टंग को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। कौन कौन से दो पार्ट है हमारे पास, एक है हमारे पास यहाँ पे ये एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग और एक है ये पीछे वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर 2/3 ऑफ द टंग। तो एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग एंड पोस्टीरियर 2/3 ऑफ द टंग, इस तरह से ये डिवाइडेड होते हैं। तो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट के बारे में बताऊं तो वो बहुत ही एक छोटा सा पार्ट है, बस यही उसके बारे में कहना है और कुछ कहने के लिए है नहीं उसके लिए। तो ये मैंने आपको बता दिया डोर्सम या अपर सरफेस ऑफ द टंग। मैंने इंफीरियर सरफेस आपको नहीं बताया, ये मैंने आपको बताया अपर सरफेस ऑफ द टंग। ठीक है, इंफीरियर सरफेस की भी हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो ये वाला डायग्राम और देख लो एक बार, इस वाले डायग्राम में आपको बताऊँ तो ये वाला जो पार्ट है ये है डोर्सम ऑफ द टंग और ये जो पार्ट है ये नीचे वाला पार्ट है टंग का, इसको हम बोलते हैं इन्फीरियर सरफेस ऑफ द टंग। तो ये मैंने ये दोनों पार्ट दिखाए आपको, एक डोर्सम ऑफ द टंग एक इन्फीरियर सरफेस। हम मेनली बॉडी ऑफ द टंग ही पढ़ते हैं, ठीक है। रूट और टिप के बारे में हमने जो बात करनी थी वो कर ली, इतनी सी बात थी। मेन हमारे पास बॉडी ऑफ द टंग है जो कि मेन पार्ट है टंग का। तो डोर्सम और इन्फीरियर सरफेस के बाद अब हम चलते हैं यहाँ पे एक एक करके हम पढ़ेंगे ओरल या फेरिंजियल पार्ट ऑफ द टंग, नहीं सॉरी ओरल, फेरिंजियल और तीसरा जो पार्ट है वो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है, उसकी बात करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं ओरल पार्ट ऑफ द टंग। ओरल पार्ट ऑफ द टंग को हम पैपिलरी पार्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको पैपिलरी पार्ट, क्योंकि यहाँ पे पैपिला प्रेजेंट होते हैं। पैपिला क्या होते हैं, पैपिला में टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं, जो हमें टेस्ट जो आता है हमें खट्टा मीठा जो भी है कड़वा वो सब आता है पैपिला ऑफ द टंग की मदद से। तो पैपिलरी पार्ट हम बोलते हैं ओरल पार्ट ऑफ द टंग को। एक और बात मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था बॉडी के अंदर जो अपर सरफेस में तीन पार्ट बताए थे ना, ओरल पार्ट, फेरिंजियल पार्ट, पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट, हम बात इन्हीं तीनों की करेंगे। बस अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा कि जो इन्फीरियर सरफेस जो है हमारा उसकी इस तरह से कोई डिवीजन नहीं होती। मतलब इन्फीरियर सरफेस जो है बॉडी ऑफ द टंग का वो ओरल, फेरिंजियल और पोस्टीरियर मोस्ट में डिवाइड नहीं होता। इन्फीरियर सरफेस में सिर्फ और सिर्फ ओरल पार्ट होता है, फेरिंजियल और पोस्टीरियर मोस्ट उसमें नहीं होता, ये बात याद रखना क्योंकि जो डोर्सम ऑफ द टंग है वो बहुत छोटा सा ही होता है। ठीक है, तो ओरल पार्ट ऑफ द टंग की बात करें, ये कहाँ प्लेस्ड है, फ्लोर ऑफ द माउथ पे प्लेस्ड है। इसके जो मार्जिन्स हैं वो फ्री हैं, आप अपनी खुद की टंग देख लो, उसके जो मार्जिन्स हैं ओरल पार्ट के वो फ्री हैं। ओरल पार्ट को क्या बोलते हैं हम, एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग बोलते हैं, सिंपल सी बात है। तो एंटीरियर 2/3 अपनी जीभ निकाल के देख लेना, मार्जिन्स हर तरफ से फ्री हैं और किसके कॉन्टैक्ट में आते हैं, टीथ्स एंड गम्स के कॉन्टैक्ट में आते हैं, ऑब्वियस सी बात है। हर एक जो मार्जिन है उसमें 4 से 5 वर्टिकल फोल्ड्स होते हैं जस्ट इन फ्रंट ऑफ द पैलेटोग्लोसल आर्च। अब ये पैलेटोग्लोसल क्या बोला है, ऊपर पैलेट से लेके हमारे नीचे ग्लोसल मतलब टंग से रिलेटेड है। तो पैलेट और टंग के बीच में एक आर्च बनती है जिसको हम बोलते हैं पैलेटोग्लोसल आर्च। तो ये पैलेटोग्लोसल आर्च कहाँ है, ये देखो, ये दिखाई दे रहा है आपको, एक सेकेंड कलर चेंज कर लेता हूँ। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है पैलेटोग्लोसल आर्च। ये जो आपको आर्च दिखाई दे रही है ना, ऊपर से काटा हुआ है इसको, तो पैलेट से नीचे टंग तक एक आर्च बनती है, इसको बोलते हैं पैलेटोग्लोसल आर्च। पैलेटोग्लोसल आर्च के पास में आपको देखने को मिलेगा, तो ये देखो पैलेटोग्लोसल आर्च के जस्ट इधर आपको ये देखने को मिल रहे वर्टिकल फोल्ड्स देखने को मिल रहे होंगे, देखना ध्यान से देखो, ऐसे वर्टिकल इस तरह से फोल्ड्स देखने को मिलते हैं, इसको हम बोलते हैं फोलिएट पैपिला। क्या बोलते हैं इसको, फोलिएट पैपिला। तो यही मैं आपको इस डायग्राम में बताने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे कि जो हर एक मार्जिन है टंग का दोनों तरफ का, एक राइट मार्जिन है एक लेफ्ट मार्जिन, दो ही तो मार्जिन है। ईच मार्जिन हैज 4 to 5 वर्टिकल फोल्ड्स जस्ट इन फ्रंट ऑफ द पैलेटोग्लोसल आर्च, जिसको बोलते हैं फोलिएट पैपिला। दो आर्च होती है, एक पैलेट से टंग की टंग तक आती है पैलेटोग्लोसल, एक पैलेट से फेरिंग्स पे जाती है पैलेटोफेरिंजियल आर्च बोलते हैं उसको। ठीक है, इस वाले डायग्राम में भी आप देख लो, ये आपको दिखाई दे रहे हैं वर्टिकल फोल्ड साइड में मार्जिन के पास, इसको हम बोलते हैं फोलिएट पैपिला। ठीक है, हो गया ये वाला पॉइंट कवर। अब जो ओरल पार्ट है या फिर जो एंटीरियर 2/3 आप बोलोगे, इसके दो सरफेस होते हैं। मैंने आपको अभी अभी बताया था कि जो एक हमारे पास था डोर्सम ऑफ द टंग, एक था इन्फीरियर सरफेस ऑफ टंग। इन्फीरियर सरफेस मैंने बोला कि उसको उसमें सिर्फ ओरल वाला पार्ट होता है, उसमें कोई फेरिंजियल पार्ट नहीं होता, ना ही पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट होता है। तो जो ओरल पार्ट है टंग का जनरल में बात करें तो उसके दो सरफेस है, एक उसका सुपीरियर सरफेस जिसको हम डोर्सम बोलते हैं या फिर अपर सरफेस बोल सकते हो, और एक उसका इन्फीरियर सरफेस। तो ओरल पार्ट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक सुपीरियर और एक इन्फीरियर सरफेस। सुपीरियर सरफेस में एक मीडियन फर्रो होता है, मतलब जो अगर आप सुपीरियर सरफेस को देखोगे ना अपने टंग के तो बीच में एक ऐसे फर्रो दिखाई देगा, लाइन दिखाई देगी। उसके अलावा जो सुपीरियर सरफेस है वो पैपिला से कवर्ड होता है, इस वजह से वो रफ होता है। जो सुपीरियर सरफेस है वो पैपिला से कवर्ड है इसलिए रफ है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, जब मैंने अभी जस्ट लास्ट वाला जो मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा, मैंने आपको यहाँ पे भी बता दिया था कि जो ओरल पार्ट है सिर्फ इसमें प्रेजेंट होता है पैपिला, और ओरल पार्ट भी किसका, अपर सरफेस का। ठीक है। तो ओरल पार्ट के अपर या सुपीरियर सरफेस में पैपिला होता है, इस वजह से वो रफ होता है। इंफीरियर सरफेस की बात करें तो वो स्मूथ होता है, वहाँ पे कोई पैपिला नहीं होता है, वो स्मूथ होता है। बस उसमें बीच में एक फोल्ड देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं फ्रेनुलम लिंगुए। क्या बोलते हैं उसको? फ्रेनुलम लिंगुए। तो ये इंफीरियर सर्फेस ऑफ द टंग है, तो इसको आप इंफीरियर सर्फेस बोलो या फिर इसको ओरल जो पार्ट था उसका इंफीरियर सर्फेस बोलो, बात एक ही है। ठीक है, एक तरह से समझ लेना इस चीज़ को यार, अब मैं बार बार बोल के आपको इरिटेट ना कर दूँ। जिसको नहीं समझ आया होगा, बहुत ही ईजी सी चीज़ है, दोबारा एक बार वीडियो चला लेना, समझ आ जाएगा। तो इंफीरियर सरफेस पे आपको बीच में देखने को मिलेगा एक इस तरह से फर्रो, इसको हम बोलते हैं फ्रेनुलम लिंगुए। ठीक है, इस फ्रेनुलम के दोनों तरफ आपको देखने को मिलेगी वेन्स, दिखने प्रोमिनेंट वेन्स देखने को मिलती है। फ्रेनुलम दोनों तरफ क्या होगा, उसके साइड में डीप लिंगुअल वेन होती है, और वेन के जस्ट आप लेटरली और जाओगे तो आपको इस तरह से प्लाइका फिम्ब्रियाटा प्रेजेंट होता है। बताता हूँ क्या होता है प्लाइका फिम्ब्रियाटा। तो यहाँ पे वापस चलते हैं इसमें। ऑन ईच साइड ऑफ द फ्रेनुलम प्रोमिनेंट डीप लिंगुअल वेन्स आर प्रेजेंट, ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा और लेटरली जाते हैं तो एक फोल्ड प्रेजेंट होता है जो कि मीडियली एंड फॉरवर्ड जाता है। तो ये देखो, ये प्लाइका फिम्ब्रियाटा एक फोल्ड है जो कि आगे की तरफ जा रहा है। ये इंफीरियर सरफेस ऑफ द टंग है, और ये एंटीरियर एक तरह से बोलोगे, इसको पोस्टीरियर बोलोगे। तो ये आगे की तरफ जा रहा है और मीडियली जा रहा है, जैसे जैसे आगे जा रहा है पास होता जा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? मीडियली एंड फॉरवर्ड से जाता है टुवार्ड्स द टिप ऑफ द टंग, इसको बोलते हैं प्लाइका फिम्ब्रियाटा। तो ये हमने बात कर ली यहाँ पे ओरल या पैपिलरी पार्ट की। अब चलते हैं फेरिंजियल पार्ट के ऊपर। अब इसको फेरिंजियल पार्ट जो है, इसको लिम्फोइड पार्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं लिम्फोइड पार्ट? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लिम्फोइड फोलिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मिलके बना देते हैं लिंगुअल टोनसिल। आपने पढ़ा होगा ना टोनसिल्स, वर्ल्ड हेरिटेज लिंग में 4 तरह के टोनसिल्स आते हैं, तो उसमें एक लिंगुअल टोनसिल भी आता है। तो लिंगुअल टोनसिल क्या होता है? जो पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग है ना, फेरिंजियल पार्ट क्या है? फेरिंजियल पार्ट को पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग बोलते हैं। ठीक है, इसका सिर्फ अपर सर्फेस होगा, इसका इंफीरियर सर्फेस कुछ नहीं होगा, मतलब फेरिंजियल पार्ट का कोई इंफीरियर सर्फेस नहीं होता, वो सिर्फ ओरल में होता है। तो जो फेरिंजियल पार्ट है टंग का, उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें कोई पैपिला नहीं होता, ये तो मैंने बता दिया। पैपिला सिर्फ ओरल में प्रेजेंट होता है, अपर सरफेस पे, बट उसमें बहुत सारे लिम्फोइड फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो मिलकर लिंगुअल टॉन्सिल बना देते हैं। उसके अलावा उसमें म्यूकस ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, म्यूकस ग्लैंड, म्यूकोसल मेम्ब्रेन होगी तो वहाँ पे म्यूकोसल ग्लैंड्स भी मिलेंगे। उसके अलावा ये जो फेरिंजियल पार्ट है ये प्रेजेंट होता है बिहाइंड द सल्कस टर्मिनालिस एंड द पैलेटोग्लोसल आर्चेस। सल्कस टर्मिनालिस के पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है। तो ये तो मैंने आपको दिखाई दिया था, ये हमारा सल्कस टर्मिनालिस है, ये ब्राउन कलर में मैंने बना रखा है, सल्कस टर्मिनालिस है। इसके जो पीछे वाला पार्ट है इसी को तो हम बोलते हैं पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग, और पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग बोलो या इसको फेरिंजियल पार्ट ऑफ द टंग बोलो, एक ही बात है। तो यहाँ पे बहुत सारे, देखो ये मैंने डोटेड बना रखे हैं, लिम्फोइड फॉलिकल्स हैं जो मिलकर बनाते हैं लिंगुअल टॉन्सिल। और ये जो आर्च थी, ये वाली, ये जो आर्च थी इसको हम बोलते हैं पैलेटोग्लोसल आर्च। तो ये वाले जो पार्ट है पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग है, ये कहाँ प्रेजेंट है? सल्कस टर्मिनालिस के भी पीछे, और जो पैलेटोग्लोसल आर्च है उसके भी पीछे की तरफ। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं कई जगह ना पोस्टीरियर 1/3 बोलूँ तो समझ जाना मैं फेरिंजियल पार्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैं आपको इस वाले डायग्राम में भी दिखा देता हूँ। तो इस वाले डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो बहुत सारे आपको ये आपको इसमें तो और अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे। ये देखो छोटे छोटे फॉलिकल्स बन रखे हैं, ये लिम्फोइड फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे लिम्फोइड फॉलिकल्स दिखें तो समझ जाओ आप कि ये कौन सा पार्ट है, ये पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग है। तो ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये वाला, ये पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग है, और रेड कलर से जो मैं बना रहा हूँ ये पूरा एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द टंग, जो हमारा आखिरी पार्ट है इसका। तो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द टंग है वो ओरोफेरिंक्स में प्रेजेंट होता है, और जो फेरिंजियल पार्ट था वो भी ओरोफेरिंक्स में प्रेजेंट होता है। ओरल पार्ट कहाँ प्रेजेंट था? ओरल पार्ट हमारा प्रेजेंट था फ्लोर ऑफ द माउथ पे, लेकिन जो फेरिंजियल और पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है ये फेरिंक्स में चले जाते हैं, ओरोफेरिंक्स में ये प्रेजेंट होते हैं। तो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट की यहाँ पे बात करें, इट इज कनेक्टेड टू द एपिग्लोटिस। पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट एपिग्लोटिस से कनेक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ 3 फोल्ड्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। 3 म्यूकस मेम्ब्रेन के फोल्ड्स होते हैं जो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द टंग को एपिग्लोटिस से जोड़ते हैं। कौन कौन से हैं ये मैंने आपको लैरिंग्स में भी पढ़ाया था। ठीक है, कार्टिलेजेस में आपको याद हो तो 3 फोल्ड कौन कौन से हैं? लेफ्ट लेटरल ग्लोसो एपिग्लोटिक फोल्ड, मीडियन ग्लोसो एपिग्लोटिक फोल्ड, और राइट लेटरल ग्लोसो एपिग्लोटिक फोल्ड। एक फोल्ड बीच में होता है जिसको मीडियन ग्लोसो एपिग्लोटिक फोल्ड बोलते हैं, और एक राइट साइड में होता है, एक लेफ्ट साइड में, एक को राइट लेटरल बोलते हैं, एक को लेफ्ट लेटरल बोलते हैं। तो अब हम इसको देखते हैं यहाँ पे इस डायग्राम की मदद से। तो इस डायग्राम में यहाँ पे ध्यान से समझना, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है पीछे, जो पार्ट मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो दिख ही नहीं रहा आपको, मैं लाइन बना देता हूँ। ये मान लो कि पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द टंग है जो आपको यहाँ ऊपर से दिखाई नहीं दे रहा है, वैसे ये कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ एपिग्लोटिस। ये हमारा एपिग्लोटिस है, ये क्या है हमारा? ये हमारा एपिग्लोटिस है। तो ये एपिग्लोटिस से कनेक्ट कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ, बीच में एक फोल्ड हो गया, बीच वाले फोल्ड को बोलते हैं मीडियन ग्लोसो एपिग्लोटिक फोल्ड, एक साइड में फोल्ड हो गया, इसको बोलते हैं लेटरल ग्लोसो एपिग्लोटिक फोल्ड, एक को राइट लेटरल बोल दो और एक को लेफ्ट लेटरल बोल दो। ठीक है, और बीच वाले को मीडियन एपिग्लोटिक फोल्ड बोल दो। समझ में आ गया होगा इतना तो एक मीडियन ग्लोसो एपिग्लोटिक फोल्ड, एक राइट लेटरल ग्लोसो एपिक फोल्ड और एक लेफ्ट लेटरल ग्लोसो एपिग्लोटिक फोल्ड, ये तीन फोल्ड हमारे मदद करते हैं उसको किसको पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द टंग को एपिग्लोटिस से जोड़ने में। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको इसमें बताता हूँ कि जो एपिग्लोटिक फोल्ड जो है हमारे पास, एक ये फोल्ड था और दो साइड वाले फोल्ड थे। मीडियन और जो लेटरल ग्लोसो एपिग्लोटिक फोल्ड है उसमें उनके बीच में एक ये स्पेस प्रेजेंट है, इसको एक डिप्रेशन है, इसको हम बोलते हैं वेलिक्यूला। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं वेलिक्यूला, ठीक है। उसके अलावा जो लेटरल ग्लोसो एपिग्लोटिक फोल्ड है ये हमारे जो वेलिक्यूला है उसको अलग करते हैं पायरीफॉर्म फोसा से। पायरीफॉर्म फोसा आपने फेरिंग्स में पढ़ा होगा, यहाँ पे कहीं मान लो कि पायरीफॉर्म फोसा प्रेजेंट है, तो पायरीफॉर्म फोसा और ये वेलिक्यूला के बीच में क्या आ रहा है, इस दोनों के बीच में आ रहा है लेटरल ग्लोसो एपिग्लोटिक फोल्ड। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था। अब वापस से नोट्स पे चलते हैं, आखिरी पार्ट रहता है वीडियो का। तो इसमें आप देखो ध्यान से, एक लेटरल लेफ्ट लेटरल था, एक राइट लेटरल था, एक मीडियन था। मीडियन और लेफ्ट लेटरल के बीच में भी एक वेलिक्यूला प्रेजेंट है, राइट लेटरल और मीडियन के बीच में भी एक वेलिक्यूला प्रेजेंट है। ये देखो एक वेलिक्यूला ये हो गया, एक वेलिक्यूला ये हो गया, ठीक है। उसके अलावा बात करें लेटरल फोल्ड्स जो है वो सेपरेट करते हैं वेलिक्यूला को पायरीफॉर्म फोसा से। ये भी मैंने आपको बता दिया कि जो लेटरल फोल्ड्स हैं वो वेलिक्यूला को यहाँ पे कहीं पायरीफॉर्म फोसा प्रेजेंट होता है उससे अलग करके रखते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया पूरा टंग के पार्ट्स। एक बार रैपिड रिवीजन सेशन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ इसका। तो एक रैपिड रिवीजन सेशन कर लेते हैं। मैंने आपको बताया टंग के तीन पार्ट्स होते हैं, एक रूट, एक टिप, एक बॉडी। जो बॉडी है वो इसका मेन पार्ट है। बॉडी के ऊपर एक अपर सरफेस होता है, एक इन्फीरियर सरफेस होता है। अपर सरफेस को हम डोर्सम बोलते हैं, इन्फीरियर सरफेस को इन्फीरियर सरफेस ही बोलते हैं। अपर सरफेस की बात करें वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है विद द हेल्प ऑफ सल्कस टर्मिनालिस, एक एंटीरियर टू थर्ड, एक पोस्टीरियर टू थर्ड, और पीछे की तरफ जो पार्ट होता है वो बहुत छोटा पार्ट होता है, पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द टंग। एंटीरियर टू थर्ड और पोस्टीरियर टू थर्ड की मैंने आपको बात कर ली। यहाँ पे मैंने पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट की आपको अलग अलग बता दिया कि एंटीरियर टू थर्ड जो पार्ट है वो रफ होता है, उसके अंदर दो सरफेस होते हैं, एक ऊपर वाला सरफेस, एक नीचे में जो इन्फीरियर सरफेस है वो भी ओरल पार्ट बोलते हैं उसको भी। तो एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग में पैपिला प्रेजेंट होते हैं ऊपर वाले सरफेस पे, नीचे में नहीं होते, नीचे वाला स्मूथ होता है। फेरिंजियल पार्ट जो है इसमें फोलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, लिम्फॉइड फोलिकल्स, और पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट में वेलिक्यूला प्रेजेंट होता है और कुछ फोल्ड्स होते हैं जो उसको एपिग्लोटिस से जोड़ने में मदद करते हैं। तो इस वीडियो में हमने ये सब बात कर ली टंग की। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पैपिला ऑफ द टंग के बारे में। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो अपने जितने भी कॉलेज के ग्रुप वगैरह हैं उसके अंदर, ताकि जिसको भी जरूरत हो एनाटॉमी पढ़ने की तो वो वीडियो देख ले। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में विद पैपिला ऑफ द टंग। बाय।